दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय हम देख रहे हैं फिट इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट के लिए खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर ज़रूर देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए बैडमिंटन, बी कबड्डी, सी निशानेबाजी, डी मुक्केबाजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी, यानी कि जसपाल राणा का नाम निशानेबाजी के खेल से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? ऑप्शन है ए IHF, बी ICC, सी FIDE या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी ICC। प्रश्न नंबर 3, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए टेनिस, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी या फिर डी तैराकी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी, यानी कि मुक्केबाजी खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल या फिर डी पोलो। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी पोलो, राधा मोहन कप का संबंध पोलो के खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन है ए 1993, बी 1995, सी 1997 या फिर डी 2000। प्रश्न है, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1995। 1995 में सबसे पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है ए 1955 में, बी 1961 में, सी 1965 में या फिर डी 1971 में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी 1961 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मिल्खा सिंह, बी जोगिंदर सिंह, सी अजीत पाल सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह। प्रश्न नंबर 8, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी हॉकी, बेटन कप हॉकी के खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9,
गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन ए रूप सिंह, बी सुरजीत सिंह, सी मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद। प्रश्न नंबर 10 और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी एथलेटिक्स, या फिर डी क्रिकेट। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स। तो दोस्तों ये थे खेलकूद से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।